नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5। यू वांट टू इरेक्ट पोल ऑफ हाइट 10 मीटर्स। देखिए यहां पर सॉल्यूशन के लिए एक पोल है ए बी 10 मीटर्स हाइट, हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर्स का एक पोल है। इसको इरेक्ट माने सपोर्ट के लिए क्या करें हम लोग, इस तरह के रोप्स लगा रहे। ये रोप्स कितने रोप्स लगा रहे, 3 रोप्स लगा रहे। ईच रोप हैज मेकिंग, हर रोप क्या कर रहा, 30 डिग्री से एंगल कर रहा, 30 डिग्री से एंगल ए बी सी। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोप, ये रोप का लेंथ कितना है हमको मालूम करना है। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव्स में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखेंगे, ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल 10 मीटर्स। उसी तरह बी सी क्या लेंगे हम लोग, बी सी इज द लेंथ ऑफ द रोप, ये हो गया बी। अब एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए कितने डिग्री से हो रहा, 30 डिग्री से। अब देखिए यहां पर एंगल बन रहा, तो ये साइड हो जाएगा एडजेसेंट साइड, ये साइड हो जाएगा हाइपोटेन्यूस साइड, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉस यूज करेंगे, कॉस 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड क्वेश्चन में गिवन है 10, हाइपोटेन्यूस साइड गिवन है क्वेश्चन में 10। अब कॉस 30 की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस 30 की वैल्यू अगर टेबल से देखेंगे तो रूट 3/2 रहती, ये हो गया 10/d। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 × d, रूट 3d, रूट 3d, 2 × 10 = 20। अब d इज इक्वल टू 20/√3। अब ये रूट 3 को हम रेशनलाइज करेंगे, √3/√3, डी इज इक्वल टू 20√3/3×9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी इज इक्वल टू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 20 × 1.732/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 34.64 मीटर्स। ये क्या हो गया, रोप 3 रोप्स का लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए। देखिए सपोज यू आर शूटिंग एन एरो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग हाइट 6 मीटर्स। एक बिल्डिंग पे हम बैठे, यहां पर बैठे, ए भी एक बिल्डिंग है 6 मीटर हाइट की है। यहां से क्या कर रहे हैं, हम एरो छोड़ रहे हैं, यहां से एक एरो मार रहे हैं। टॉप ऑफ द टारगेट ग्राउंड ऑफ द एंगल, यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे आ रहा एंगल तो डिप्रेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का एंगल बन रहा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड ऑब्जेक्ट, तुम्हारे और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है हमको मालूम करना है। ये दोनों दो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन को सपोज हम लेंगे, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री ये। अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स आसान है, ए बी को क्या समझे हम, ए बी इज द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का हाइट हो गया। क्या है यहाँ पर, एच इज इक्वल टू कितने मीटर्स दिया, एच इज इक्वल टू 6 मीटर्स, ये एच इज इक्वल टू 6 मीटर्स है, 6 मीटर्स। उसी तरह बी सी इज द एरो, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो और लेंथ, या हम क्या कर सकते हैं इसको शूटिंग, या क्या सपोज यू शूटिंग द एरो ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, या बिल्डिंग पे से मारे से हम एरो का पॉइंट है समझिए लिख सकते हैं लोग। उसी तरह ए डी जो एसी, एसी क्या है यहां पर, डिस्टेंस बिटवीन यू एंड ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, तुम्हारे और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। अब यहां पर इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये दोनों साइड लेंगे, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या हो जाएगा, टैन, गिवन टैन 60 है, टैन 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्वेश्चन में गिवन है और डी गिवन, ये हमको वैल्यू करना है। टैन 60 की वैल्यू अगर आप टेबल से देखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 इज इक्वल टू 6/d। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, d × √3 √3d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6/√3, √3 को रेशनलाइज करेंगे √3/√3, d इज इक्वल टू 6 × √3 √3, 3 × 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, 3 × 1 = 3, 2 =
d इज इक्वल टू हो गया 2√3 मीटर्स हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, ये भी फाइंड आउट करना है ये दोनों का भी। अब ये अपोजिट साइड हो गया, ये साइड हो गया हाइपोटेन्यूज साइड। अपोजिट हाइपोटेन्यूज के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे साइन। दो क्वेश्चन है इसके अंदर, साइन 60 डिग्री ले लेंगे। अपोजिट साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज साइड गिवन नहीं है, इसको हम क्या लेंगे डी, सॉरी एक को एक्स एक्स ले लेंगे। अभी एक को डी लिए, इसको सपोज एक्स ले लेंगे, ये एक्स ले लिए हम सपोज करें। अब साइन 60 की वैल्यू अगर हम टेबल पे देखेंगे तो हमको हो जाएगा √3/2। टेबल में अगर हम देखेंगे तो √3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3x हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा 12। दोबारा से हम इसको क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 12/√3 ले सकते हैं। ये √3 को रेशलाइज करेंगे, √3/√3 ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू 12√3, 12√3 3 3 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 3 1 3 4 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4√3। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस मी यू एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4√3 मीटर्स। ये इसका आंसर है।